कि आपको भी सिनेमैटिक वीडियो चाहिए, जाइए क्रॉप के अंदर और डालिए सिनेमैटिक बार्स, बन गई आपकी वीडियो सिनेमैटिक। होपफुली ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था ZN ब्रांड के लिए, और ये एक शू ब्रांड है, तो आप वीडियो देखो फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो मैंने बनाया था ऑलमोस्ट 3-4 दिन में, और ये वीडियो बहुत सिंपल है अगर आप इसको बेसिकली फंडामेंटल्स देखो। और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि मैंने वीडियो शूट कैसे किया, और फिर हम एडिटिंग भी देखेंगे कि मैंने एडिट कैसे किया। मैंने यूज़ करा था फिशिंग वायर और फिशिंग हुक शूज़ को हैंग करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए एयर के अंदर, और फिर मैंने उसको अपने डंबल से टाई कर दिया था ताकि वो हिले ना, और डंबल हैवी है तो डंबल राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं होंगे। फिशिंग वायर और फिशिंग हुक जो है वो आपको मिल जाएंगी ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ की, मैं लिंक कर दूंगा नीचे जो मैं यूज़ करता हूँ। 10 पीस मिले थे मुझे और वो काफ़ी हैं कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए आपके। नेक्स्ट मैंने शूज़ को हुक के अंदर डाला और फिर शूज़ को आराम से मैंने स्पिन किया ताकि वो जो हमारी फिशिंग वायर है वो भी ट्विस्ट हो जाए, और फिर टेंशन के अंदर आके फिशिंग वायर वापस घूमती है तो वो गोल 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 घूमने लगेगा आपका प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है ये तरीका, और आप बॉक्सेस और सबके साथ कर सकते हो ये। और ऑलमोस्ट सारे शॉट्स जो हैं वो हमारे स्पिनिंग वाले ही हैं ताकि हम डायनामिक शॉट्स शूट कर पाएँ। बाकी शूटिंग वाला प्रोसेस बहुत सिंपल था, सब कुछ एडिटिंग के अंदर हुआ है, तो जल्दी से चलते हैं एडिटिंग के अंदर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने वीडियो एडिट कैसे किया। नाउ आप ये ध्यान रखना कि ये कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल नहीं है, तो आपको बिल्कुल अगर एडिटिंग नहीं आती है तो प्लीज़ पहले आप थोड़ा सा ट्यूटोरियल देखो, तभी आपको वीडियो समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आने वाला है और फिर आपको प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में वीडियो एडिट करने में। नाउ हमारा सबसे पहला शॉट जो है वो एक नॉर्मल सा एस्टैब्लिशिंग शॉट है, और ये बॉक्स को दिखा रहा है क्योंकि हमारे क्लाइंट को बॉक्स दिखाना था, क्योंकि उन्होंने बॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, काफ़ी अच्छा दिखता है बॉक्स। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ZN का नाम और फिर ब्रांड का नाम आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने यहाँ पर एक वाटरमार्क भी डाला हुआ है जिससे आपको दिखेगा कि ये है हमारा ब्रांड। फिर बॉक्स के साइड में ट्रेंड सेटर इनसाइड लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर करा क्या, बहुत सिंपल इफेक्ट है ये। सबसे पहले तो मैंने ये वाला वीडियो लिया, एक साइड का नॉर्मल सा मूवमेंट शॉट है, और फिर उसके अंदर एक जूम आउट डाला हुआ है मैंने। ऑलमोस्ट सारे शॉट्स में मैंने जूम इन या जूम आउट डाला है ताकि थोड़ा शॉट डायनामिक दिखे। और फिर उसके बाद मैंने करा क्या कि इसको मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ट्रैक किया, और फिर मास्क बनाने के बाद मैंने उसका जो है एक कॉन्टेंट अवेयर फिल से वो फायर वाला लोगो हटा दिया, और फिर जहाँ पर वो फायर वाला लोगो हुआ करता था वहाँ का एक मैंने मास्क बनाया ताकि मेरे पास सिर्फ एक ऊपर से मास्क आ जाए कि वो एरिया कवर हो जाए। और फिर मैंने वही सेम अपने प्रीमियर के अंदर वीडियो के ऊपर ओवरले किया, और ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं वो मास्क हटा पाऊँ और फिर मेरा नीचे से लोगो आ जाए। फिर इसके ऊपर मैंने करा क्या कि मैंने एक यूट्यूब से नॉर्मल फायर वाला इफेक्ट लिया और उसको भी मैंने ट्रैक करा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ये जो आप देख रहे हो एनिमेशन, ये ट्रैक्ड है आफ्टर इफेक्ट्स में, और फिर नेस्ट कर दिया सब कुछ। नेस्ट करने से वो सारी क्लिप्स कंप्रेस हो जाती है एक क्लिप के अंदर, और फिर उसके पूरे क्लिप के ऊपर वो आप स्टेबलाइजर डाल दिया 50% पे, तो हमारा स्मूथ शॉट हो गया और काफ़ी सिनेमैटिक दिख रहा है। ये सारे शुरुआत के शॉट जितने भी थे, ये सारे शॉट जो हैं ये एस्टैब्लिशिंग शॉट हैं, ये आपको बॉक्स के बारे में, ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हो, कुछ खास नहीं है शॉट के अंदर, जूम आउट हो रहा है और कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मैंने सिंपल मास्किंग करी है, मास्किंग से वो बॉक्स जब खुलता है तो ऐसा लगता है कि वीडियो के नीचे से कोई वीडियो आ रहा है। मास्किंग ट्रांजिशन आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। अब ये जो आप स्टॉप मोशन टाइप देख रहे हो ये एग्जैक्टली वही है, ये फोटोज़ हैं 5 FPS से मैंने अपने कैमरा पे खींची थी, तो मैं सिंपली उससे ही यूज़ कर लिया और ये मुझे स्टॉप मोशन वाला इफेक्ट मिल गया। और फिर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार प्ले कर रहा हूँ और फिर उसके बाद रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो वो शू ऐसा लग रहा है कि हवा में ऐसे ऐसे हो रहा है। सॉन्ग हमारा काफ़ी ज़्यादा अपबीट है क्योंकि ब्रांड भी आप देख सकते हो काफ़ी फंकी टाइप ब्रांड है, और यंगस्टर्स और यूथ को टारगेट करता है, तो हमें वो स्लो टाइप म्यूज़िक नहीं यूज़ करना पड़ता,
और हम फास्ट म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं, हिप हॉप रैप टाइप बीट्स यूज़ कर सकते हैं। ये वाला शॉट में मैंने बहुत सिंपल इफेक्ट किया है, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फाइनल कट के अंदर तो ये इफेक्ट ही है इनबिल्ट, पिक्चर इन पिक्चर प्रीमियर में भी है और पर मैंने इफेक्ट नहीं यूज़ किया। मैंने बस सिंपली नीचे वाली वीडियो को ऊपर डुप्लीकेट किया और फिर उसको मैंने साइज़ छोटा कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऊपर उड़ रही है। सिंपल, कोई खास इफेक्ट नहीं है। फिर बीट के हिसाब से मैंने बस सैचुरेशन बदल दी और फिर नारुतो का टेक्स्ट जो है हाई हैट से मैंने सिंक्रोनाइज़ किया हुआ है। ये वाला शॉट भी काफ़ी सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो का ट्रेंड ही चल रहा है, काफ़ी सिंपल शॉट्स हैं तो मैंने एडिट ऐसे करा कि काफ़ी अच्छा दिखेगा वीडियो। ये भी एक सिंपल सा हमारा शू हिल रहा है और लाइटिंग मैंने काफ़ी कॉन्ट्रास्टी रखी है, एक सामने से लाइट आ रही है और एक पीछे से रिम लाइट आ रही है हार्श, और फिर वही आपका इंस्टाग्राम में जो बूमरैंग वाला इफेक्ट होता है कि आप आगे जाते हो फिर रिवर्स होता है वीडियो, वही मैंने यहाँ पर भी अचीव किया है सेम। इस शॉट में मैंने करा क्या है, मैंने शू का नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट को सेपरेट कर दिया है, ये एक ही शॉट है, तो मैंने उनको अलग अलग कट करके दो शॉट्स बना दिए हैं और फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ताकि शॉट काफ़ी डायनामिक दिखे। और ये नारुतो जो है, ये जो मैंने टेक्स्ट कट किया हुआ है ये मैंने स्प्लिट कर दिया बीच में से, और नारुतो इसलिए क्योंकि शू का नाम जो है नारुतो ही है। ये वाला शॉट मेरा फेवरेट शॉट है इस वीडियो के अंदर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल शॉट है ये, आप में से ज़्यादातर लोगों ने फिगर आउट कर भी लिया होगा। ये वीडियो है, इसको मैंने फ्लिप कर दिया और साइड में लगा दिया तो हमारी ये वीडियो बन गई, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दो जूते रखें और फिर एक सिंपल सा जूम आउट डाल दिया तो बहुत डायनामिक बन गया। वही सेम स्टार्टिंग की जो फ़ोटोज़ हैं उनको मैं छोटा 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 करके अलग अलग पैटर्न्स के अंदर लगाया है, और बैकग्राउंड के अंदर वही सेम एक बूमरैंग स्टाइल वीडियो चल रही है, देख सकते हो आप जैसे कि, तो ये भी काफ़ी सिंपल अचीवेबल इफेक्ट है। बीट के हिसाब से मैंने बस वो अलग अलग स्टाइल्स में रखी वीडियो, अलग अलग पैटर्न्स बनाए वीडियो के। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नारुतो का एक कैरेक्टर को डाला है, यहाँ पर उसकी इमेज है और बहुत ही सटल है, पर जिन लोग को ध्यान दे रहे होंगे जो लोग वीडियो में उनको दिखेगा। फिर यहाँ दोनों शूज़ को लटकाने के लिए मैंने सेम वही हुक यूज़ करे, और फिर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जाके मैंने कंटेंट अवेयर फिल और वायर रिमूवल करके ऊपर से वो वायर हटा दी, तो आपका शॉट एकदम ऐसा लग रहा है फ्लोट हो रहा है। और लास्ट में मैंने बस वही आपके मुँह पे, व्यूअर के मुँह पे ब्रांड का नाम डाल दिया ताकि आपको याद रहे कौन सा ब्रांड है, ZN। और फिर मैंने वीडियो के अंदर बीच बीच में ZN का लोगो जो है वो स्नेयर्स के ऊपर डाल दिया ऐसे, ताकि थोड़ा सा एक विजुअल इंटरेस्ट वापस। और अगर हम साउंड की बात करें, ये मुझे एकदम अचानक से वीडियो स्टार्ट नहीं करना था तो मैंने बहुत सिंपल इफेक्ट डाला है, मैंने सारी हाई फ्रीक्वेंसी हटा दी है वीडियो से, ऑडियो से, और फिर जैसे ही ऑडियो प्ले होती है तो आप सुन सकते हो काफ़ी मफल्ड लग रही है, और फिर ऑडियो के ऊपर स्लोली कॉन्स्टेंट गेन आता है तो वो हमारी मफल्ड ऑडियो से रियल ऑडियो पर स्विच होता है बहुत स्मूथली। लास्ट में मैंने करा क्या है कि जो हमारा असली में गाना है तो मैंने इसको एंड करने के लिए बीच में से एक पार्ट ले लिया जो कि आप यहां सुन सकते हो, तो यहां पर मैंने उसको कट करके डाल दिया और सेम टाइम पे टाइमिंग सही रखी मैंने, तो बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है और एकदम आराम से एंड हो जाता है गाना। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हो @himansinghi, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी क्योंकि लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। सो दिस मिनट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई टॉक टू यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।